नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक और मैं हूं आरती देशवाल। बुलेटिन का आगाज एक बड़ी खबर से कर रखे हैं। आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण जारी रहेगा। जी हां, कोर्ट ने इसके पक्ष में फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की हम बात कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण, जिसे कि केंद्र सरकार 2019 में लेकर आई थी, उसके बाद इस आरक्षण को लेकर कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी और अब इस याचिका पर सुनवाई हुई है और ईवीएस 10%, ईडब्ल्यूएस 10% लागू रहने वाला है। आर्थिक आधार पर यह आरक्षण होगा, 10% आरक्षण होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसके पक्ष में फैसला सुना दिया है। 5 जजों की बेंच ने इस पर फैसला सुनाया, 3 जजों ने पक्ष में फैसला दिया और इस पीठ में से 2 जज इसके विपक्ष में भी नजर आए और सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दिखा दी है ईडब्ल्यूएस के 10% आरक्षण को। तो आर्थिक तौर पर पिछड़े लोग, जो कि चाहे अग्रणी जातियों से जुड़े हुए हो, उन्हें भी आरक्षण मिलेगा। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के संवाददाता अनिल मोर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अनिल, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दिखा दी है ईडब्ल्यूएस आरक्षण को, इसके क्या मायने निकलते हैं? देखिए, 2019 में केंद्र सरकार की तरफ से 103वां जो संशोधन किया गया था, उसके तहत जो सामान्य जातियां थी, जो सामान्य वर्ग था, उनके लिए एक आरक्षण का प्रावधान किया गया था। जो प्रावधान किया गया था ईडब्ल्यूएस के तहत, वो प्रावधान किया गया था जिसके तहत कहा गया था कि जो भी स्वर्ण जातियों में गरीब तबका है, उनके लिए 10% आरक्षण रहेगा। और ये जो 10% आरक्षण है, जितनी भी केंद्र सरकार के शैक्षणिक संस्थान है, सार्वजनिक नौकरियां, उनके लिए प्रावधान रखा गया था। फिर इस फैसले को, इस संशोधन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी और आज सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया। और इस ऐतिहासिक फैसले में जो सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक पीठ थी, 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने 3-2 से ये फैसला ईडब्ल्यूएस आरक्षण के फेवर में फैसला दिया। 3 जजों के पक्ष में फैसला था, दो जज थे जिनमें सीजीआई यूयू थे जस्टिस। देखिए अनिल, आप हमारे साथ बने रहिए आप हमारे साथ। इसी बीच हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील निखिल सिंह जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। निखिल जी, स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। थैंक यू मैम। देखिए, ईडब्ल्यूएस 10% आरक्षण, इसके क्या मायने निकल रखे हैं और इसको लेकर किस तरह की बहस आज हम देख पाए हैं? मैम, ये बहुत ही अच्छा मूव है सरकार की तरफ से जी। क्योंकि जो जनरल कैटेगरी में रह जाते हैं और जो इकोनॉमिकली वीकर हैं जी, जिनको सपोर्ट नहीं मिल पाता है, तो ये जो 2019 के अंदर अमेंडमेंट लेके आई है सरकार, ये बहुत ही अच्छा अमेंडमेंट है और ये सपोर्ट करेगा एक्चुअली जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी के अंदर, उनको सपोर्ट मिलेगा, वो आगे बढ़ेंगे इससे। चलिए, अभी ये 3:2 के रेशो में सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया है जी, और अब ये फाइनल हो चुका है। अब ये इम्प्लीमेंट होगा, अब मैंडेटरी हो जाएगा बाकी स्टेट्स के लिए इसको इम्प्लीमेंट करना जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया निखिल जी, आप जुड़े और आपने तमाम जानकारी दी है। अनिल, आप अपनी बात को आगे बढ़ाइए। देखिए, वही मैं आपको बता रहा था कि जो केंद्र सरकार की तरफ से फैसला लिया गया था कि 10% आरक्षण रहेगा सामान्य जातियों के लिए, वो सामान्य जातियां जो ईडब्ल्यूएस के तहत आती है, यानी इकोनॉमी वीकर सेक्शन, जो एक गरीब तबका है सामान्य जातियों में। आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला, जिसमें से जो 3 जजों की तरफ से जो फैसला है आरक्षण के पक्ष में दिया गया, 2 जजों की तरफ से फैसला, जिनमें सीजीआई यूयू ललित है और 2 दूसरे जस्टिस थे भट्ट, उनकी तरफ से कहने की असहमति जताई गई थी। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, वो मत के हिसाब से आता है। भले ही सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे इस आरक्षण के पक्ष में नहीं थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो भी एक जज होता है, एक जज का एक मत गिना जाता है। 3 जज फेवर में थे, 2 जज अगेंस्ट थे, तो जो फैसला है 3-2 के हिसाब से है। और अब जो फैसला है 3-2 के हिसाब से देश भर में भी लागू होगा। अब जितने भी जो केंद्र सरकार की नौकरी है, जो शैक्षणिक संस्थान है, उसमें ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया जाएगा। इसमें पक्ष और विपक्ष में तमाम दलीलें दी गई थी और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की तरफ से पुरजोर तरीके से अपना पक्ष रखा गया था। केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि केंद्र सरकार ने फैसला लिया है, इस फैसले से जो दूसरे जो आरक्षित जातियां हैं, जिनमें एससी ओबीसी एसटी आते हैं, उनका जो आरक्षण है वो कतई प्रभावित नहीं। देखिए, इसी बीच इस फैसले को लेकर कुछ प्रतिक्रियाएं भी आ रखी हैं, उनसे भी हम दर्शकों को रूबरू करवा देते हैं। कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, वो आप सुनिए।
The matter of SCST OBC reservation, then always it was cited that Indira Sahni judgment has put an embargo of 50%. Today that embargo has been lifted. Now today they are citing constitution, that in the constitution there is no limit mentioned. Then why, when it came to SCST, for 30 years they have been always citing the citing Indira Sahni, not the constitution? That I am questioning, that I am asking. Is it a matter of constitution or is it a matter of caste? It's not that mindset of the Supreme Court judges. It's upper caste mentality. Thank you. तो 5-2 से सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी इस फैसले को दी है। आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण रखेगा। एक बार फिर से अनिल मोर का हम रुख करेंगे। अनिल, देखिए 3-2 से ये फैसला सामने आया, अब आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण रहने वाला है। इस आरक्षण के कुछ राजनीतिक मायने भी निकल रखे हैं। कांग्रेस की प्रतिक्रिया आपने अभी सुनी, तो क्या लगता है अब इस फैसले के बाद कुछ राजनीति भी देखने को मिलेगी? देखिए, इस फैसले के राजनीतिक मायने बिल्कुल निकलेंगे, और खासतौर से अभी की अगर बात करें, गुजरात में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, इस वक्त में हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये मुद्दा जोर शोर से उठा जाएगा, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से जो फैसला लिया गया था, मोदी सरकार की तरफ से जो जोरदार स्टैंड सुप्रीम कोर्ट में रखा गया था, जिसमें तमाम दलीलें दी गई थी कि इस आरक्षण से जो गरीब तबका है, जो दूसरी आरक्षित जाति है, जो आरक्षित वर्ग है, उनका जो आरक्षण वो कतई प्रभावित नहीं होगा। और जैसा देखिए, क्योंकि जो का संविधान बनाया गया था, उसमें प्रावधान किया गया था कि जो आरक्षण की सीमा वो 50% से ऊपर नहीं जा सकती। जो एससी ओबीसी एसटी का जो आरक्षण है वो करीब 50% बैठता है, और ये जो 10% आरक्षण दिया गया सामान्य जातियों का, जो कोटा सामान्य जातियां हैं उसमें 10% आरक्षण रहेगा। यानी जो एक 50% की कैप थी, वो 50% की कैप तो वैसे ही इसको ये पूरी कर जाएगा, उससे ऊपर ही चला जाएगा, लेकिन इस आरक्षण से जो आरक्षित वर्ग है उनको कतई नुकसान नहीं होगा। और जैसा आपने ईडब्ल्यूएस वाला मैटर था, उसके बाद हमारा नंबर जो 1504 था, बट नेक्स्ट उनने ले लिया, और 2 सेकंड भी नहीं लगे जस्टिस बेला त्रिवेदी ने इसका ऑथर किया जजमेंट, और उनने बोला हाई कोर्ट एंड ट्रायल कोर्ट ऑर्डर सेट असाइड एंड दे आर सेट फ्री। यानी कि हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट, जिसने इतने सारे गवाहों को के बयान लिए, उसको उनकी जांच की, उसके बेसिस पे उनने उनको दोषी पाया, और दोषी ही नहीं पाया, उनको उसके बेसिस पे डेथ सेंटेंस दिया। तो ईडब्ल्यूएस आरक्षण की हम बात कर रखे हैं, 10% आरक्षण दिया गया है। हालांकि आज देखिए 5-6 बड़े केस हैं जिनकी सुनवाई होनी है, ऐसे में आज कई ऐसे केस हैं जो चर्चाओं में रहेंगे, लेकिन हम ईडब्ल्यूएस आरक्षण पे पहले बात कर रखे हैं। ईडब्ल्यूएस 10% आरक्षण को लेकर अनिल मोर हम बातचीत कर रहे थे, आप बता रहे थे कि राजनीति संभव है क्योंकि कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है, चाहे आप बात कर लीजिए हिमाचल की, चाहे गुजरात की, जानकारी दीजिए। वह ऐसे होते हैं जो सामान्य जातियों से संबंध रखते हैं, उनका कहीं ना कहीं दर्द रहता है कि जो भी शिक्षण संस्थान होता है, सरकारी नौकरियां होती है, उनके मान लीजिए 100 में से 80 नंबर आ जाते हैं, वो 80 नंबर लेके आते हैं, लेकिन उनका दर्द रहता है कि हमने तो 80 नंबर लिए थे, लेकिन जो दूसरी आरक्षित जातियां, उनके 50 नंबर आने के बावजूद उनकी सिलेक्शन हो जाती है, चाहे कोई सरकारी नौकरी हो, शिक्षण संस्थान हो। और कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है, जो केंद्र सरकार की तरफ से फैसला लिया गया था, इसमें साफ तौर पर कहा गया था कि जो सामाजिक भेदभाव है, सामाजिक भेदभाव दूर करने के लिए कहीं ना कहीं फैसला लिया गया, और इसमें कहीं ना कहीं जो भी सामान्य वर्ग के, जो भी गरीब लोग हैं जो ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत आते हैं, और कहीं ना कहीं उनमें सामाजिक असमानता न हो, इसको लेकर फैसला लिया गया। गुजरात में जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होते हैं, और कहीं ना कहीं इस फैसले को कहीं ना कहीं बीजेपी भुनाने में कोई कमी नहीं छोड़ेगी। बीजेपी के नेता कहीं ना कहीं इन दोनों ही राज्यों में कहीं ना कहीं सामान्य वर्ग के लोगों के बीच जाएंगे, और कहीं ना कहीं एक बड़ी जीत के तौर पर इसको पेश किया जाएगा। कहा जाएगा कि देखिए, जो सामान्य जातियों के जो युवा है, जो स्टूडेंट है, जिनको शैक्षणिक संस्थानों में दाखिला लेने होते हैं, जिनको सरकारी नौकरी में अप्लाई करना होता है, उसके लिए कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार की तरफ से जो फैसला लिया गया था, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो मजबूती से लड़ाई लड़ी, उस लड़ाई का परिणाम यह रहा कि आज सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले पर मुहर लगा दी। और कहीं ना कहीं इस फैसले का एक बड़े समाज को, बड़े तबके को फायदा मिलने जा रहा है। जितनी भी सामान्य वर्ग की जाति, उन सामान्य वर्ग की जातियों में देखिए, अमीर गरीब हर वर्ग में होते हैं, चाहे कोई आरक्षित वर्ग है, चाहे कोई अनारक्षित वर्ग है। आरक्षित वर्ग के अलावा हम अगर सामान्य कैटेगरी
कैटेगरी की बात करें, सामान्य कैटेगरी में भी एक बड़ी संख्या में गरीब तबका है जो कहीं ना कहीं अपनी दो रोटी की लड़ाई लड़ता है, और उस तबके के लिए जो आज का फैसला है काफी ऐतिहासिक फैसला रहने वाला है। उस वर्ग के जो भी गरीब लोग हैं जो ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत आते होंगे, उन ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत उनको सरकारी नौकरियों में भी आरक्षण मिलेगा, शिक्षण संस्थानों में भी आरक्षण मिलेगा, और कहीं ना कहीं चाहे गुजरात विधानसभा चुनाव है या हिमाचल विधानसभा चुनाव, इस विधानसभा चुनाव में भी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की गूंज रहेगी। बिल्कुल, इन विधानसभा चुनावों में तो रहेगी, अन्य राज्यों में जो चुनाव होंगे उन पर भी असर रहेगा, क्योंकि कई राज्यों में देखा गया है कि स्वर्ण जातियों की तरफ से आरक्षण की मांग को लेकर बाकायदा आंदोलन किए गए हैं। अच्छा देखिए, कहा यह भी जा रहा था अनिल कि जातिगत आरक्षण को खत्म करने की साजिश रची जा रही है, कई तरह के आरोप प्रत्यारोप इस मामले में सामने आते रहे हैं, लेकिन ये काट नहीं बल्कि ये तो बाईपास नजर आता है कि आरक्षण स्वर्ण जाति को भी मिलेगा और इससे पहले जो आरक्षण दिए जा रहे थे उन पर कोई असर नहीं होगा, इस पर क्या जानकारी? देखिए, आपने कहा कि देश भर के अगर कई राज्यों के एग्जांपल की बात करें, गुजरात की बात करें, गुजरात में पटेलों का आंदोलन रहा जो कहीं ना कहीं आरक्षण को लेकर लड़ा गया, हरियाणा की बात करें, हरियाणा में जाटों का आंदोलन रहा, इसके अलावा और दूसरे राज्यों की बात करें, तमाम राज्यों में कहीं ना कहीं आरक्षण लेने को लेकर इस तरीके के आंदोलन रहे थे, और खासतौर से जो एक सामान्य वर्ग से संबंधित जातियां उनका कहीं ना कहीं मानना होता कि जो उनको उनका हक मिलना चाहिए था वो हक नहीं मिलता, लेकिन अब इस आरक्षण से कहीं ना कहीं बड़ा फायदा जो सामान्य वर्ग की जो तमाम जातियां हैं उन वर्गों में जो गरीब तबका है उनको एक बड़ा फायदा मिलने जा रहा है। अब कहीं ना कहीं जो आपने मुझसे पूछा कि जो आरक्षित जातियां हैं जिसमें एससी एसटी ओबीसी जो आरक्षण मिलता है उसको कितना फायदा नुकसान होगा, देखिए जो देश का संविधान बनाया गया था जिसमें जब आरक्षण का प्रावधान रखा गया था, जब आरक्षण का प्रावधान इन तीन वर्गों के लिए रखा गया था, एससी एसटी और ओबीसी, कहीं ना कहीं मकसद ये था कि जो समाज में सामाजिक भेदभाव है, सामाजिक असमानता है उसको दूर किया जा सके, और कहीं ना कहीं जो समाज लेकर जो आरक्षण का प्रावधान रखा गया था कि जो 50% कैप है उससे ऊपर आरक्षण नहीं दिया जा सकता, ये प्रावधान रखा गया था, लेकिन जो आरक्षण जो आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला ईडब्ल्यूएस को लेकर दिया गया, सामान्य जातियों को लेकर दिया गया, ये आरक्षण उस आरक्षण से अलग है, वो जो 50% की कैप है उसमें एससी एसटी ओबीसी को आरक्षण मिलता है, लेकिन जो ये आरक्षण मिलेगा सामान्य वर्ग की जो गरीब लोग हैं उनको ये फायदा मिलेगा, इस फैसले से जो वो आरक्षण वो कतई प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि देखिए वो जो आरक्षण है वो जो कैप वो 50% की कैप है वो तो अलग आरक्षण है, उसमें कहीं ना कहीं जो एससी ओबीसी एसटी वही वर्ग के लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो सामान्य जातियों के जो गरीब लोग होंगे बिल्कुल वो स्वर्ण जाति के भी इसमें अप्लाई कर पाएंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी अनिल आपने दर्शकों तक पहुंचाई है।